हाँ भाई नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली अपने जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अपने अपने घर हम पहुंच चुके हैं। और अब आज बात करेंगे इस वीडियो में कि टोटल, ठीक है, टोटल कितने लोगों ने फिजिकल पास किया, और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल टोटल कितने लोग फेल हुए, और सबसे बड़ी जरूरी सूचना कितने लोगों ने फिजिकल दिया और कितने लोगों ने नहीं दिया। पूरा डेटा 6 दिन जो आपके फिजिकल चले हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। और जो लड़कियां कह रही थी ना कि हमारे साथ धोखा हुआ है, धांधली हुई है, तो उसका जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कोई धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आपके फिजिकल करवाए गए हैं। जिसने मेहनत की है उसका फिजिकल पास हुआ है, और जिसने मेहनत नहीं की वो बातें बना रहा है। एक भी कोई कैंडिडेट ऐसा निकाल के ले आओ जिसका फिजिकल पास हो गया है और वो बंदा ये बोले कि वास्तव में धांधली हुई है। जो बंदे फेल हुए हैं केवल वो ही भाषणबाजी कर रहे हैं कि धांधली हुई है, ऐसा हुआ है, वो हुआ, ये हुआ है, नहीं है, जो भी है ना। तो अब हम बताते हैं आपको भाई कि कितने लोगों ने फिजिकल पास किया, कितने लोग आए, कैसे क्या है, जो भी मैटर है, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। ये देखो आपके जो फिजिकल है वो लगभग 6 दिन चले थे, 16 तारीख से और 22 तारीख तक आपके फिजिकल होने थे, लेकिन फिर पोस्टपोन्ड होके वो तारीख आगे पीछे होती गई। तो आपका जो फिजिकल है वो 17 को हुआ। सबसे पहले 17 तारीख को 352 लोग पास हुए। अब ये जो 352 लोग है ना भाई, ये कितने लोगों में से पास हुए? 17 तारीख को जो फिजिकल देने आए लोगों की संख्या थी वो थी 7000। कितनी थी? 7000। 7000 में से पहले दिन 352 लोग ही फिजिकल पास कर पाए। अब आप देख सकते हैं पहले दिन कितने लोग फेल हुए, और ये सारे कौन थे? लड़के थे। ये सारे कौन थे? लड़के थे। मैं पूरा डेटा बताने वाला हूं वीडियो में, आप ध्यान से देखना। तो वो लड़कियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि वो भी देखें इस वीडियो को जो बोल रही थी धांधली हुई है। ये जो 352 लोग पास हुए इनमें से एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि धांधली हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। सबने ये कहा कि हमारी मेहनत थी, हमने पास कर लिया। लेकिन 7000 में से केवल 352 पास हुए, और जितने भी कैंडिडेट फेल हुए उनमें से भी एक भी लोग ने ये नहीं कहा कि फिजिकल में कोई धांधली हो रही है, ऐसे ही पास किया जा रहा है। सब अपने अपने घर खुशी खुशी गए, और जो फेल हुए कैंडिडेट है उन्होंने भी ये कहा कि हमारी जो मेहनत थी हमें उस पर विश्वास था, लेकिन यहाँ पर हमारी मेहनत रंग नहीं लाई, और हम फिर से प्रयास करेंगे, आने वाली वैकेंसी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। एक भी बंदे ने ये नहीं कहा धांधली हुई है, कोई बात नहीं। उसके बाद में आपकी आई 18 तारीख, 17 का हो गया, 18 तारीख को केवल 533 लोग फिजिकल में पास हुए। कितने लोग पास हुए? 533। अब ये है 17 तारीख का और ये है 18 तारीख का, और 18 तारीख को फिजिकल देने कितने लोग आए? 8000 लोग। ठीक है भाई, 8000 में से 533 पास हुए, यानी पहले दिन 352 पास हुए, और उसके अगले दिन लोगों ने मतलब देख लिया पहले दिन की भाई ग्राउंड के हालात क्या है, कैसे फिजिकल हो रहा है, कितनी किस तरीके से रनिंग करनी है, तो उस हिसाब से लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा के रनिंग किया, और जो पास होने वालों की संख्या क्या हुई? बढ़ी। और यहां पर जो फिजिकल देने आए थे उनमें भी संख्या 1000 की बढ़ी, 8000 हो गए। ठीक है, और ये भी कौन थे? सारे लड़के थे। इन दोनों दिनों में कोई ऐसा विवाद देखने को नहीं मिला कि फिजिकल में धांधली हुई है, जबकि यहां भी यार देखो 8000 में से 533 पास हो रहे हैं, तो आप मान सकते हो 7476 के आसपास बंदे फैल हुए हैं। 7400 प्लस बंदों में से एक भी बंदे ने यह नहीं कहा कि धांधली हुई है, कोई भी प्रदर्शन धरना हंगामा नहीं किया, चुपचाप अपने घर चले गए बेचारे, कोई बात नहीं। फिर बात आती है 19 तारीख की, तो 19 तारीख का फिजिकल क्या हुआ था? बारिश की वजह से आपका पोस्टपोन्ड हुआ था। 20 तारीख की बात आई, 20 तारीख को भी आपका पोस्टपोन्ड हो गया था। फिर अब आते हैं हम सीधा 21 तारीख के ऊपर, ठीक है। 21 तारीख को वो दिन आया जिस दिन केवल मेरे भाई फिजिकल हुआ, और 21 तारीख को किसका फिजिकल था? लड़कियों का था, और लड़कियों की संख्या केवल 193 ही रह गई पास होने वालों की। और यहां पर जो 21 तारीख को लड़कियां हैं उनकी संख्या भी लगभग 9000 के आसपास थी, ठीक है। 9000 लड़कियों में से केवल 193 लड़की ही फिजिकल पास कर पाई। अब ये जब 193 लड़की हैं, इसमें से शायद कोई एक दो लड़की ऐसी होगी जो ये बोल दे कि फिजिकल में धांधली हुई है, जबकि 190 लड़कियों की मैं गारंटी लेता हूं सबका यही रिव्यू है कि फिजिकल
प्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, कोई भी धांधली नहीं हुई है, जिसने मेहनत की है उसने पास किया है। और बाकी 9000 में से 193 को हटाकर जो लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, उनको मैं बता दूं भाई कि आपकी जो मेहनत थी आपको उसका रिजल्ट मिला है। आप ये देखो कि आपने मेहनत कितनी की है, ये मत देखो कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर के ग्राउंड में हमारा वो टाइमिंग आ रहा था और यहाँ पे वो टाइमिंग आया है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर इन ये जो लोग हैं ना, ये लड़के हैं, आप तो इस बार ही रनिंग करके तैयारी करने लगे हो, ये जो लड़के हैं घिस चुके हैं तैयारी करते करते, पता नहीं कितने ग्राउंडों में रेस लगा चुके हैं, तो इनको इन चीज का पता है, चुपचाप घर चले गए। तो आपको अभी पता नहीं है इन चीज का, पता चल जाएगा आने वाले समय में, जब एक दो भर्तियों की रेस आप कर लोगे, ठीक है। बाकी कोई भी लड़की मेरे ऊपर विवाद मत करना कि तू भी ऐसा ही बोल रहा है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है मेरी बहन कि अभी आप पहली बार किसी वैकेंसी के लिए रनिंग किए हो। हाँ, एक दो पहले भी कर लिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सीख जाओगे। अब 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को केवल 290 ही कैंडिडेट पास हो पाए, ठीक है। कितने कैंडिडेट? 290। तो यहाँ पे 22 तारीख की बात करें तो 290 कैंडिडेट पास हो पाए। और 22 तारीख को जो फिजिकल है, 22 तारीख को जो फिजिकल है, उसमें जो फिजिकल देने वालों की संख्या है वो भी ज्यादा थी। कैसे थी? एक तो जिनका 22 तारीख को था वो लोग थे, और एक जिनका 16 तारीख को था, उनका पोस्टपोन्ड होकर कितनी तारीख को कर दिया गया था? 22 तारीख को। तो इन 16 तारीख वालों की संख्या भी जुड़ गई थी। तो 22 तारीख को जो टोटल फिजिकल देने वालों की संख्या थी मेरे भाई, वो लगभग 14000 प्लस थी। कितनी थी? 14000 प्लस, ठीक है। और 14000 प्लस लोगों में से केवल 14000 प्लस लोगों में से केवल 290 लोग ही पास हो पाए। और यहां पे फिर आती है अपनी 23 तारीख, ठीक है। कितनी तारीख? 23 तारीख। 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को आपके मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 23 तारीख को 740 कैंडिडेट ही फिजिकल में पास हो पाए। कितने? 740। और जब लास्ट तारीख आई 24 तारीख, 24 तारीख को तो धुआंधार प्रदर्शन, सब मजा ही आ गया। 24 तारीख को जिन 24 तारीख को उन लोगों का फिजिकल था जो जवान लड़के थे, और 1120 लोगों ने फिजिकल पास किया। अब ये 24 तारीख को कौन आए थे भाई? जिनका 19-20 तारीख को फिजिकल पोस्टपोन्ड हुआ था, वो लोग 24 तारीख को फिजिकल देने आए थे और जवान लड़के थे, अच्छी रनिंग की, 1120 लोगों ने फिजिकल पास किया। तो ये टोटल संख्या, अब टोटल संख्या देख लो कि फिजिकल में कितने लोग पास हुए हैं, तो 3228 लोगों ने फिजिकल यहाँ पे टोटल पास किया है, ठीक है। यानी आप मान सकते हो मेरे भाई कि टोटल कितने कैंडिडेट्स में से बात करें तो अप्रोक्स आप मान सकते हो 45,000 से 50,000 लोग फिजिकल दिए हैं, और उनमें से मात्र 3228 लोगों ने फिजिकल पास किया है, ठीक है। अब कोई भी बंदा ये ना बोले कि धांधली हुई है, क्योंकि धांधली होती तो इतने लोग भी पास नहीं करते भाई, ठीक है। धांधली हुई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदे अभी भी डाउट में है कि धांधली हुई है, ऐसा भर्ती कैंसिल होगी, कुछ भी नहीं होगा, भर्ती कंप्लीट होगी। और अब जो ये 3228 लोग हैं, इनका क्या होगा? एग्जाम होगा। क्या होगा भाई? एग्जाम होगा। और एग्जाम आपका अक्टूबर महीने में स्टार्टिंग की 10 दिनों में ही करवा लिया जाएगा, क्योंकि पहले जो आपका एग्जाम है वो 25 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन जो फिजिकल पोस्टपोन्ड हो के आपके 24 तारीख तक तो फिजिकली कंप्लीट हुए हैं, तो इस वजह से जो आपकी एग्जाम डेट है वो बढ़ेगी। अब बढ़ेगी जो डेट आएगी वो हम आपको जल्दी नए वीडियो में बता देंगे, लेकिन आप मान के चलो कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, 10-15 दिन का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब 10-15 दिन का टाइम आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस तारीख से लगा लेना, आपके पास कितने दिन है, अक्टूबर के 10 तारीख तक का आप टाइम मान के चलना, ठीक है। 3228 लोगों में से एग्जाम में बड़ी मुश्किल से 1000 बंदे ही फाइट कर पाएंगे, ठीक है। 1000 बंदे ही एग्जाम फाइट कर पाएंगे, बाकी जो बंदे हैं वो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। और आपकी जो टोटल वैकेंसी है मेरे भाई वो है 10000। कितनी है? 10000। अब 10000 में से 1000 बंदों का क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। फिर 9000 पोस्ट आपकी क्या जाएंगी? खाली जाएंगी। अब काफी सारे लोगों का सवाल है कि पोस्ट खाली जाएंगी, एग्जाम नहीं होगा, भर्ती कैंसिल होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जो 9000 पोस्ट है, ये अगली बार जब वैकेंसी आएगी
तो उसमें प्लस कर दी जाएंगी, ठीक है। और अगली बार जो वैकेंसी है कम से कम मान के चलो एक दो साल नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आप मानो कि 1000 बंदों का ही सिलेक्शन होगा। अब एग्जाम की बात करें तो जो कैंडिडेट्स फिजिकल पास कर चुके हैं उनको मैं बता देता हूं, एग्जाम की बात करें तो आपके पेपर में दिल्ली जी के मैथ, रीजनिंग, जीएस और भूगोल आने वाला है, ठीक है। और यहां पे मैं आपको अपने नंबर दे रहा हूं, 6367552373, सबको नंबर दिख रहे हैं ना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। और पता नहीं आपका अटेंड हो या ना हो, व्हाट्सएप मैसेज आपका 100% सीन किया जाएगा, होमगार्ड लिख देना, आपको पढ़ने का बढ़िया मैटर मिल जाएगा। जो आपके पेपर में दिल्ली जीके आएगी वो आपको बढ़िया से तैयार की हुई मिलेगी, और ऐसे मैटर तैयार किया है कि आप मजा आएगा आपको पढ़ने में, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, ऐसा लगेगा कि इतना मैटर नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। जो आपका प्राचीन इतिहास आएगा वो आपको स्पेशल मिल जाएगा, केवल प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास से आपके 4 क्वेश्चन कम से कम पेपर में आएंगे। जो आपका साइंस आएगा कंप्लीट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग वगैरह जो भी है सब आपको मिल जाएगा, केवल आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन जो के लिए आपके लिए जरूरी थी। और दोस्तों ये जो डाटा मैंने आपको बताया 3228 लोगों का फिजिकल में पास होने का, ये हमें हमारे मतलब जैसे जानकार होते हैं ना उनके द्वारा मिला है। अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन अप्रोक्स माने तो आप मान सकते हो 3500 इतने बंदे लास्ट पहुंचेंगे फिजिकल क्वालिफाई में। बाकी ये अप्रोक्स डाटा नहीं है, अप्रोक्स तो फिर आरटीआई लगानी पड़ेगी, आरटीआई लगा के आपको हम बताएंगे आरटीआई में जो जवाब आएगा, लेकिन जो डाटा हमें मिला है उस डाटे के अकॉर्डिंग इतने ही पास हुए हैं। तो आपके जो भी भाई थे सब फेल हो गए, बस ये बंदे पास हो पाए हैं, ठीक है। और 3228 में से कम यहां पे आप मान के चलो 2500 प्लस बंदे ऐसे हैं जो कि 30 उम्र से कम के हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, बाकी बंदे जिनकी 30 साल से ऊपर है उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो 30 साल से कम जैसे 28 साल, 26 साल, 25 साल का लड़का तो यार रनिंग कंप्लीट करेगा क्योंकि वो आर्मी वगैरह की तैयारी करता रहता है तो उसकी रनिंग तैयारी अच्छी होती है। और जो लड़कियां दहाड़ रही थी कि ऐसे कर दिया हमारे ग्राउंड में, वो टाइम आ रहा था, आपने 1-2-3 महीने तैयारी की, 1-2-3 महीने में आपका टाइमिंग कुछ भी नहीं बता सकते आप। ये वो लड़के हैं जिन्होंने पास किया है, इनसे पूछो टाइमिंग कैसे आता है, इन लड़कों से जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, इनको 1-1, 2-2 साल हो गए रनिंग करते तब जाके इनका फिजिकल क्लियर होता है अब, ठीक है। तो फिजिकल में ऐसी कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है, जिनका डाउट है ना कि पैसे वैसे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और मैं बता देता हूं अगर आपसे कोई पैसे वगैरह लेता भी है अब भी या बाद में एग्जाम के लिए तो मत देना किसी को भी, ठीक है। कभी ये कहो कि मेरा चाचा उसका जैक है ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, पैसे किसी को देने नहीं है वरना बाद में पछताओगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज इस मामले में आप किसी पर केस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि हमसे 5 लाख रुपए लिए पेपर पास करवाने के, ठीक है, किसी पर केस भी नहीं कर पाओगे, इस चीज पर केस भी नहीं होता है कि आप 5 लाख क्यों दिए पेपर, उसमें आप ही उल्टा फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करो, मेहनत आपको सफल बनाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा मैं बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती रहती है जिनकी इन्फॉर्मेशन चैनल पे देता रहता हूँ, ऑफलाइन भर्तियां, ऑनलाइन भर्तियों की, तो सब्सक्राइब करके रखा करो चैनल को, जिससे आने वाले समय में आपको नई नई भर्तियों की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।